नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असमंजस में लोजपा पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने 7 सितंबर को बुलाई संसदीय दल की बैठक। लोजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर तेज की तैयारी, 5 नए जिलाध्यक्ष को सौंपी पार्टी की कमान। जदयू के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह का दावा, कहा नीतीश कुमार के वर्चुअल संवाद में बड़ी संख्या में शामिल होंगी महिलाएं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बनाई रणनीति, सभी जिलों में रथ और मोटरसाइकिल से प्रचार करेगी भाजपा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा बिहार को लालटेन युग से एलईडी दौर में एनडीए सरकार ने लाया। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा जीतन राम मांझी अपने समाज और बिहार के बड़े नेता। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे यशवंत सिन्हा एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने की कर रहे हैं तैयारी। बिहार बदलो यात्रा को लेकर बेगूसराय पहुंचे यशवंत सिन्हा, स्थानीय लोगों से किया जनसंवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार ने कर दिया 2 पीढ़ियों को बेरोजगार। बीजेपी ऑफिस में घुसे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ा, सीएम आवास पर घेराव करने पहुंचे शिक्षकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आरा मोहनिया हाईवे पर 1 करोड़ की चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गुरुवार को बिहार में मिले 1,922 नए कोरोना के मरीज, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,42,156। भागलपुर समेत 5 जिलों में मिले 100 से अधिक कोरोना संक्रमित, वहीं मुंगेर और शेखपुरा में 10 कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान। गुरुवार को राज्य में 1,40,931 लोगों की हुई कोरोना जांच, जिसमें 1,922 लोग मिले पॉजिटिव। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,42,156, तो वहीं 1,49,976 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। अब भागलपुर में म्यूजिक से होगा कोरोना मरीजों का इलाज, कोविड सेंटर में लगाया जाएगा म्यूजिक सिस्टम। कोरोना मरीज का तनाव दूर करने और मन लगाने के लिए कोविड वार्ड में मिलेगी संगीत की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दिए निर्देश। भागलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,880, जबकि 4,956 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। गुरुवार को जिले में 103 नए कोरोना मरीज की हुई पहचान, शहर में मिले 7 नए कोरोना के मरीज। सबौर सड़क दुर्घटना में बिंदेश्वरी मंडल के निधन पर राजद के नेता ने जताया दुख, गुरुवार को डॉक्टर अशोक आलोक ने मृतक के परिजनों को दिया आर्थिक सहयोग। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने वर्तमान सरकार के प्रति जताई नाराजगी, कहा यह दुर्घटना नहीं वर्तमान सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। भागलपुर में दूसरे दिन भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला नगर निगम का डंडा, बरारी वाटर वर्क्स इलाके को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। सबौर के राजपुर में बुजुर्ग मोहम्मद कलीम की जमीन विवाद में हत्या, 5 माह पहले पति बेटा सहित 3 की हुई थी हत्या। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी लेने पहुंची टीम, बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द, कहा नहीं मिले हैं राहत के पैसे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त हुई पुलिस प्रशासन, भागलपुर डीआईजी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।